कि कैसे हम जब बता रहे कि 2021 में यही था, यही था, और यहां से जब निकला तो पकड़ में नहीं आया, तो कैसे भारत से अमेरिका पहुंचा, क्या रूट लिया इसने? अब चलिए जल्दी से वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी कि पहुंचा कैसे। चलिए आपको बताते हैं, जानकारी रख रहे हैं आपके सामने। देखिए, ये दरअसल अमेरिका कैसे पहुंचा इसने, सबसे पहले ये भारत में था, वहां से नेपाल फरार हुआ, नेपाल से जो हमारी सीमा लगती हुई है वहां फरार हुआ, और उसके बाद दुबई पहुंच गया। दुबई के बाद ये पहुंचा कीनिया, और कीनिया से फिर से दुबई पहुंचने के बाद अमेरिका पहुंच गया। ये पूरा रूट फॉलो करके ये भारत से फरार हो गया, कोई इसे पकड़ नहीं पाया। इस तरह का इसने रूट फॉलो किया, क्योंकि नेपाल भागते ही हमारी सीमा से दूर हो गया, और उसके बाद अलग अलग देशों में, दुबई में, कीनिया में, हर जगह ठिकाना लेकर सीधे पहुंच गया अमेरिका। और कहा जा रहा है कि अमेरिका से ही अब ये पूरा खेल चलाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा है, क्योंकि ये गैंग जेल में रहते हुए लॉरेंस के लिए चलाना आसान नहीं है, पूरा सिंडिकेट है। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले अनमोल बिश्नोई का नाम आप देख रहे हैं, जो इसका सगा भाई है, जो अमेरिका में बैठा है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। गोल्डी बराड़ नंबर दो की हैसियत रखता है लॉरेंस गैंग में, और ये कनाडा में बैठा हुआ है, कहा जा रहा है ये वहां से ऑपरेट करता है। सचिन बिश्नोई ये एक और नाम। इसके अलावा काला जठेड़ी गैंग दिल्ली का, जिसको लेकर कहा जाता है कि जेल में तो है लेकिन सब कुछ चलाता है, वो भी अंदर से। विक्रम बराड़ का नाम भी सामने आता है, और इसके अलावा काला राणा, ये वो पूरा गैंग है जिसको लेकर सारी चीजें चल रही है। लेकिन आप समझिए कि जो सारे लोग हैं, ये सारे लोगों में से सिर्फ दो लोग बाहर हैं, अनमोल बिश्नोई बाहर है और गोल्डी बराड़ बाहर है। ये सारे नाम, सचिन बिश्नोई, काला जठेड़ी, विक्रम बराड़, काला राणा, ये सब कोई जेल में बंद है। यानी गैंग कौन चला रहा है? आपको जवाब मिल गया होगा, गैंग चला रहे हैं अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़। बाकी सारे सदस्य जेल में ही रहते हैं और वहीं से साजिश रचते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें, आपको बताएं बड़ी जानकारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं, यानी लगातार इन पर एक्शन लेने की तैयारी चल रही है, इन्हें पकड़ने की कोशिश चल रही है। दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, 7 शूटर्स गिरफ्त में लिए गए हैं, इनसे अलग अलग मामलों में पूछताछ चल रही है, स्पेशल सेल ने ये कार्रवाई की। 7 शूटर्स को पकड़ा है, 7 गैंग मेंबर्स को पकड़ा है, जो कि एक मर्डर करने वाले थे हरियाणा में, सॉरी राजस्थान में, और कुछ मर्डर्स जो हैं और भी टारगेट इनको मिले हुए थे, अगर ये उसको एग्जीक्यूट करते थे बाकी टारगेट्स भी मिलने वाले थे। स्पेशल सेल लगातार गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन लेती है, आपने हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं देखी थी जो गैंगस्टर्स ने दिल्ली NCR में की थी, उसके रिस्पॉन्स में एग्रेसिवली स्पेशल सेल ने, चाहे वो हिमांशु भाऊ हो उसका गैंग हो, या कपिल नंदू सांगवान का गैंग हो, या नीरज बवाना का, रोहित कौशल का, या लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी ब्रार का, इन सभी गैंग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती आ रही है। उसी श्रृंखला में ये 7 गैंगस्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं। आरजू बिश्नोई नाम का आदमी इनको कंट्रोल कर रहा था, जो कि ओरिजिनली लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेंबर है आरजू बिश्नोई। आरजू अनमोल बिश्नोई के टच में ज़्यादा रहता था। तो बड़ी कार्रवाई हुई है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि लॉरेंस गैंग में एक और कोड है। कोड क्या है? कि कोई भी लड़की की एंट्री नहीं होगी। हम यूं ही नहीं कह रहे, चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। दरअसल आपको बताएं कि लॉरेंस को उसके गुर्गे गुरुजी कहते हैं। जी हाँ, गुरुजी के नाम से जाना जाता है लॉरेंस, और जेल में पूजा पाठ भी करता है, इस तरह की इमेज है। कई टैटूज भगवान राम के नाम के भी उसने लगवा रखे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करता है लॉरेंस बिश्नोई, ये जो जानकारी हमें मिली है। जी हाँ, अनाज नहीं खाता है, फल या दूध दही ही खाता है, इसी का सेवन करता है, और लड़कियों से दूर रहता है लॉरेंस बिश्नोई। और यही बात है कि ये जो कोड है, ये सभी जो गैंग मेंबर्स हैं उन्हें फॉलो करना होता है। नवरात्रि के उपवास के साथ 9 दिन का मौन व्रत भी रखता है लॉरेंस।
लॉरेंस का ये नारा है कि जय बलकारी, और इसी को सब फॉलो करते हैं। जो गैंग मेंबर्स जिनकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी वो भी ये फॉलो करते हैं, और हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है ये सभी को फॉलो करना होता है, और लॉरेंस गैंग का ये कोड है। जी हाँ, ये सीक्रेट कोड है जो फॉलो करके ही एंट्री मिलती है लॉरेंस के गैंग में। चलिए आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अनमोल विश्लोई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो जानकारी हमें मिली है। गोल्डी बराड़ की भी नहीं है, जो लिस्ट आप देख रहे हैं। जी हाँ, रोहित गोदारा, ये तीन जो मेन गैंगस्टर्स हैं जो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं है। इसके अलावा सचिन बिश्नोई थापन, विक्रम बराड़ और काला राणा का भी यही ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि ये इनका कोड है, ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको ये फॉलो करते हैं, और इसके बाद ही एंट्री हो पाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जब इतने सारे युवा हिस्सा बनते हैं लॉरेंस गैंग का, आपने देखा होगा कि कई लोगों की रिक्रूटमेंट ऑनलाइन होती है, क्योंकि लॉरेंस तो जेल में बंद है। आखिर ये रिक्रूटमेंट होती कैसे, कैसे युवा इस झांसे में आ जाते हैं, आखिर क्या ऐसा कहता है लॉरेंस, आपको बताते हैं। दरअसल इंश्योरेंस देने की बात करता है। जी हाँ, इंश्योरेंस, सुनिए कैसे। दरअसल जेल जाने पर शूटर के परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है, उसे पूरी मदद दी जाती है, उसे कोई तकलीफ ना हो, ये इंश्योर करता है लॉरेंस बिश्नोई। इसको लेकर पहले ही डायरेक्टिव्स हैं, जेल जाने से पहले परिवार को ये बता दिया जाता है कि आपके लिए मदद पहुंच जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखता है। जी हाँ, इमरजेंसी जब होती है तो शूटर्स के जो परिजन हैं, अगर वो फंस गए तो उनको पूरी सहायता सुनिश्चित की जाती है। जेल में शूटर की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है, यानी अगर आप लॉरेंस गैंग के शूटर की लिस्ट में हैं और आप फंस जाते हैं तो आपके परिवार तक तो मदद पहुंचेगी ही, जेल के अंदर भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लॉरेंस एश्योरेंस देता है। दूसरे बदमाशों से शूटर का संपर्क कराया जाता है, उसको ट्रेनिंग तो दी ही जाती है, संपर्क भी कराया जाता है, और शूटर अगर मर जाता है किसी घटना तो उसकी मौत का बदला भी जल्द लेने की बात करता है लॉरेंस। इस तरह से झांसे में फंसा है। और एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताएं कि महाराष्ट्र से लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ने वाला है। जी हां, ऑफर पहले भी टिकट किया गया था कई जगहों से, अब जो जानकारी मिल रही है चुनाव लड़ेगा लॉरेंस बिश्नोई। जो अपडेट हमें मिल रहा है उसके मुताबिक ऑफर की गई है सीट, ये जो लेटर आप देख रहे हैं, बांद्रा पश्चिम सीट से लॉरेंस बिश्नोई को टिकट ऑफर किया गया है। हालांकि अभी लॉरेंस बिश्नोई इस पर क्या रिएक्शन देता है, लड़ता है या नहीं, इसको लेकर देखना होगा, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने यह जानकारी दे दी है। वो पत्र आपको हम दिखा रहे हैं। तो आपको बताएं कि ऑफर भाटी की तरफ से दिया गया है, उनकी पार्टी की तरफ से दिया गया। उन्होंने पहले भी कहा था कि चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं, और अब तो ऑफर ही दे दिया है रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, ये जानकारी साझा की गई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सारा काम अनमोल बिश्नोई के खिलाफ, तो देखिए अब वारंट जारी हो चुका है, वॉन्टेड उसे घोषित कर दिया गया है, 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया। लेकिन नंबर दो की हैसियत इस गैंग में गोल्डी बराड़ की, तस्वीर आपको गोल्डी बराड़ की दिखा रहे हैं, ये हाई प्रोफाइल अपराधों में लिप्त माना जाता है। टारगेट किलिंग जैसा अपराध हो, वसूली सुपारी जैसा अपराध हो, गैंग में नए लोगों की भर्तियां हो या हथियार मुहैया कराना, ये सारा जिम्मा अनमोल बिश्नोई के बाद दूसरे नंबर पर संभालता है गोल्डी बराड़, जो सारी चीजें हैंडल कर रहा है। लेकिन आपको बताएं कि कनाडा में जिस गोल्डी बराड़ को लेकर कई दावे किए गए, ट्रूडो का वो दावा आपको याद होगा जिसमें ट्रूडो ने ये कहा कि निज्जर की हत्या कराई गई, इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है और गोल्डी बराड़ इसमें इन्वॉल्व था, ये तमाम बातें कहकर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश की गई थी।